सो है वेलकम बैक गाइस। तो 10 दिन के बाद मैं वापस आया हूँ। मुझे पता है मैंने कल वीडियो अपलोड किया था अपने कुमकुम स्टाइगर का, पर वो वीडियो मैंने 10-12 दिन से भी एडिट करके रखा था, पर मैंने यार 2 दिन पहले उसे अपलोड किया क्योंकि गाइस मोबाइल मेरा हो चुका था चकनाचूर असुस का। और वो क्यों हुआ और कैसे हुआ सब बताने वाला भी वीडियो में। तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते गाइस। और वीडियो तो बहुत अच्छा होने वाला आप लोगों के लिए क्योंकि ये आईफोन 13 से रिकॉर्ड किए वाले वीडियो है, ठीक है ना। मतलब आईफोन 13 में खेला हूँ मैं, तो अपना मोबाइल आने में 10 दिन लगी भाई वापस आने में। तो जब तक कि अपन भाई जो अपना आईफोन है 13 उस पर अपन गेम प्ले करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को मैं वीडियो रेगुलर डालते जाऊँगा आपके लिए चैनल पर अपने, ठीक है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना गेम प्ले। अपन यहाँ पे देखो आप लोग किस तरह से मैं गेम प्ले फिनिश करने वाला हूँ और बहुत ही प्यारा गेम प्ले जा रहे थे भाई आईफोन में। आपको क्या बोलो आप लोग, मैं आप लोग खुद देख लो और बोल दो मुझे कमेंट में भी वीडियो कैसे लगे आज के, ठीक है ना। तो चलो भाई आज एंड तक बने रहो वीडियो में क्योंकि भाई आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो कॉइन रहती है टॉप फ्लैप में मार लेता हूँ। मैंने बोला कुछ कॉइन अपनी रिलीज हो जाएंगी बीच में से, पर यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोगों ने किस तरह से मैं रिलीज शॉट खेलूंगा। तो दोनों कॉइन नहीं गए, दोनों ब्लॉक हो चुके हैं लगभग। तो देखो तुम्हारा भी किस तरह से उसको रिलीज करेंगे दोनों कॉइन को। अब यहाँ पे देखो कनेक्शन जा रहा था टॉप फ्लैप में अपने अपने ओपोनेंट की कॉइन को मिला के, और जो अपनी फंसी हुई कॉइन है उसकी मदद से निकल सकती है। तो चलो भाई अपन क्या करते हैं यहाँ पे मार लेते हैं, और जो कॉइन फंसी हुई रहती है वो तो नहीं निकल पाते। लास्ट वाली जो कॉइन भी उसको देखो किस तरह से मैं इंडायरेक्ट पोर्ट करता हूँ। तो ये शॉट आपको पसंद आएगा खुद ही देख लेना आप लोगों ने। तो चलो मैं टॉप फ्लैप में इसको थोड़ा सा रिवॉल्व शॉट खेल लेता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग शॉट है। तो चलो यहाँ पे ये गेम प्ले इजिली विन कर लेते हैं अपन, और ये गेम प्ले चलो तो नेक्स्ट गेम प्ले पे अपन आ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं अभी अपना मोबाइल कैसे फूटा, ठीक है ना गाइस। तो वैसे तो मैंने चार्जिंग पे लगा के रखा था मेरा मोबाइल, ठीक है ना। जो हमारे भाई की भाई लड़की थी उसने क्या करा गाइस, वो जो मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था भाई उसको निकाला और डायरेक्ट कहाँ पे गिरा, पत्थर पे। मतलब पत्थर पे गिरा, वहाँ पे नहीं कि मेरा डिस्प्ले जो मोबाइल का था भाई वो तो हो गया फूट गया पूरा, और भाई जो स्क्रीन थी वो भी ब्लैक हो गई थी। और इसी के साथ मेरा जो यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड करा था मैं 10 दिन से, यही कारण था भाई। मोबाइल अपना जो असुस का था उस पर मेरे सब सारे रिकॉर्डिंग वीडियो थे, सब गेम प्ले के रिकॉर्ड वीडियो सब चीज़ा थे उसमें, ठीक है ना। तो मुझे उसको रिपेयर करने में ऐसा 10 दिन लगे कम से कम गाइस। तो अभी तो मैंने डाल दिया, अभी तक तो नहीं आया मेरा मोबाइल, अब देखते हैं कब तक क्या आते। और उसमें तो यार गेम प्ले मैंने बहुत रिकॉर्ड करके रखा था, तो गाइस गेम प्ले रिकॉर्डिंग का कुछ मसला नहीं था। मेन मसला था काय का, जो अपना यूट्यूब चैनल था भाई उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं था। What? तो आप लोग तो बहुत सोच रहे हो अभी यूट्यूब का पासवर्ड याद नहीं तुझे, तो गाइस क्यों नहीं याद था, जो अपना असुस मोबाइल था भाई उसमें सब परमिशन दे वाले थे सिर्फ अपने जो यूट्यूब चैनल के थे। तो मुझे कोड होना था अपना मोबाइल का, तो मोबाइल तो मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था, तो डिस्प्ले तो भी कुछ काम नहीं करने वाला कर रहा था। तो मैंने क्या करा अभी उसमें सब जो डिवाइस था कैसे ना कैसे उसको ऑन किया सर्विस सेंटर पे जाके, ठीक है ना। मतलब स्क्रीन जब उसकी फूटी हुई थी तो एक बार ब्लैक स्क्रीन हो गई थी उसकी, तो मैंने बोला कैसे ना कैसे इसकी स्क्रीन ऑन करके दो भाई, मुझे यूट्यूब पे चैनल ओपन करना था। तो उन्होंने ऑन करके दी भाई कैसे ना कैसे, डिस्प्ले जो ऊपर ऊपर मोबाइल खोल लिया उन्होंने और अंदर से मैंने परमिशन दे दिया भाई काय का, अपने जो यूट्यूब का था भाई उसका, ठीक है ना। और फिर बाद में फाइनली अपना जो आईफोन है भाई 13 उसमें मैंने परमिशन ले लिया और पासवर्ड डाला सब डाला और लॉग इन कर लिया भाई, ठीक है ना। उसी के कारण मैंने 10 दिन के बाद जो वीडियो था कुमकुम स्टाइगर का उसको मैंने अपलोड किया था 2 दिन पहले, और उसी के कारण भाई अपना जो यूट्यूब वीडियो थे वो थोड़े से लेट हो रहे थे। और भी आज से तो रेगुलर होने वाले हैं क्योंकि अपने पास सेकंड मोबाइल है, सब पासवर्ड विसपोर्ट सब है अपने पास, तो अब कोई टेंशन नहीं है। तो गेम प्ले तो आप लोगों को रेगुलर मिलते जाएंगे। और जो अपना सेकंड मोबाइल है भी अपना असुस, तो सॉरी वो फर्स्ट मोबाइल है, सेकंड मोबाइल तो ये है, ठीक है ना। वो जो मोबाइल है अपना वो आने वाला है भी अभी कम से कम 7-8 दिन में वापस, ठीक है ना। अभी रिपेयर हो गया क्योंकि उसके पार्ट्स यहाँ पर नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो देखिए भाई कब तक क्या आता है और कब तक अपना जो मोबाइल है रिपेयर होता है, फिर आप लोगों को बताऊंगा भाई मोबाइल अपना रिपेयर होके आया कि नहीं आया। और भाई वो मोबाइल के साथ तो भाई दलंदरी तो बहुत लगी हुई है भाई। हाँ ना गाइस, इतने दिन से इतने प्रॉब्लम आते जा रहे हैं मोबाइल में। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई असुस का कोई मोबाइल मत दो आप लोग, ठीक है ना। कुछ काम के मोबाइल नहीं असुस के, ठीक है ना। मतलब 3-4 बार सर्विस सेंटर पर डाल जाऊँ मैंने, और ये तो मेरी गलती थी भाई, डिस्प्ले फूट गया तो ये मेरी गलती थी। पर आप लोगों ने क्या करना है भाई, जिंदगी में कभी अभी असुस मोबाइल कभी लेना नहीं आप लोगों ने, ठीक है ना। लैपटॉप अलग बात है, लैपटॉप उसके अच्छे हैं असुस के, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है इसके मोबाइल कभी नहीं लेना है असुस से, क्योंकि बहुत खराब मोबाइल है भाई इसके। मैंने भाई फर्स्ट टाइम मेरा मोबाइल लिया वो भी 1,500 रुपये डाल के, पर मोबाइल कुछ काम का नहीं निकला मेरा वो, ठीक है ना। सिर्फ गेम प्ले करता हूँ, गेम प्ले करते करते मोबाइल लैग करता है, वो भी 1,500 रुपये दे के भाई मोबाइल लैग कर रहा है। आप लोग समझ सकते हो भाई ये क्या मोबाइल हुआ, इतना सड़ा मोबाइल था भाई। अगर गाइस आप लोगों के पास असुस मोबाइल होगा तो भाई आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो भाई मोबाइल कैसा है आपका, ठीक है ना। तो मुझे तो यार कैसे नहीं रहा था ये मोबाइल, ठीक है ना, असुस ROG 5।
तो वो दलिंदर मोबाइल है, कोई फ़ायदा नहीं लेके आप लोगों को आसूस मोबाइल लेके, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग बोल रहे भाई गेमिंग फ़ोन है, पावरफुल गेमिंग फ़ोन है। भाई पावरफुल गेमिंग फ़ोन है पर भाई पावरफुल गेमिंग प्रॉब्लम भी है उसके अंदर। हाँ गाइस बहुत प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है ना। तो पावरफुल गेमिंग फ़ोन है तो सही, वो पर प्रॉब्लम भी बहुत खतरनाक है उसके अंदर। तो आप लोगों ने कतई नहीं लेना है ROG 5 मोबाइल, ठीक है ना गाइस। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, आप मेरे सब्सक्राइबर हो भाई, अगर जब कोई लेने जा रहा है तो भाई मत लेना, ठीक है ना। तो चलो ये कुछ प्रॉब्लम थी ROG 5 में। और भाई गेम तो भाई बहुत लैग करता है उसमें, मैंने पबजी के वास्ते लिया था पहली बात तो उसको, और अपना कैरम बोलते हैं छोटे से 3 GB रैम के मोबाइल में भी चल जाता है, पर मैंने पबजी के वास्ते मेन वो मोबाइल लिया था और भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मोबाइल लेके अपना, मतलब उल्टा घाटा हो गया 6,500 रुपये का। उससे अच्छा तो 3 मोबाइल आ जाते थे 20,000 रुपये डाल डाल के, वो भी एक से एक मोबाइल मिल जाते थे मुझे, पर क्या करें भाई किस्मत ख़राब तो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब बोलते ना कहावत है किस्मत गांडू तो क्या करेंगे पांडू। तो आप लोग भी सोच रहे हो भाई मैं इतना फनी कैसे बन गया आज, मतलब यार दिमाग तो ख़राब हो चुका है ना गाइस, मतलब 6,500 रुपये दिए थे अपने, कम भी नहीं दिए थे। तो चलो कोई नहीं भाई, किस्मत की बात रहती है कम ज़्यादा। और यहाँ पे भाई बंदा क्या बोल रहा था भाई, आई टू प्ले हैक कर रहा था इसकी माँ की, मेरे को जानता नहीं है ये साला, खुद आई टू प्ले हैक कर रहा है और मुझे बोल रहा भाई आई टू प्ले ऑन कर, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हो भाई, इनके जैसे तो अपन खराब जबान वाले नहीं है, तो अपन गाली नहीं देंगे भाई माँ बहन पे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो भाई, अभी सेकंड गेम प्ले पे अपन आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हुए अभी क्या कर सकते हैं अपन। तो चलो यहाँ पे अपने ओपनेंट की तो टर्न है, वैसे तो पूरा टाइम आउट कर रहा है बंदा, तो टाइम आउट होने देते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे टर्न अपने को मिलती है कि नहीं। तो चलो भाई टर्न मिल चुकी है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे देखो भाई आप गिले कैरम बोल गए, देखो यार ये मतलब कुछ भी यार यहाँ पे कुछ भी दिखाया जा रहा है अब यहाँ पे, मतलब जो स्टायर के जो पोजिशन था वो तो पूरा गायब ही कर दिया उन्होंने, और जो ब्लैक रेस है वो आ चुकी है वहाँ पे, और भी सिर्फ स्टायर ही दिख रहा है। तो ये कैरम बोल के ग्लिच भाई आईफोन में भी शो हो रहे हैं, मैंने बोला आईफोन में नहीं शो होंगे, पर ये आईफोन में भी इस तरह के ग्लिच भाई शो हो रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्लिप को थोड़ा सा काम करना चाहिए भाई अपने एप्लीकेशन पे। तो बीच में तो क्या होगा गाइस, मतलब आईफोन में गेम प्ले कर रहा था अपने ये मोबाइल में, तो 2 बार मेरा ऑटोमेटिक कट भी हो चुका था गेम, मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया पर 2 बार मेरा गेम ऑटोमेटिक कट हो चुका था। तो मुझे इतना गम नहीं हुआ गाइस, ठीक है ना। मैं 50,000 के टेबल पर खेल रहा था, अभी मुझे कुछ फ़र्क नहीं करा, अगर जब बड़े टेबल पर होता ना भाई मतलब गाला देता था मैं। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे देखते हुए आप क्या कर सकते हैं अपन। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ और जो अपने कॉइन है वो निकालने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखना आप लोगों ने मैं मिस किस तरह से करूँगा, तो आप लोगों को टाइटल भी इस तरह का मिलेगा भी मिनी क्लिप विलेज का, ठीक है ना। जो विलेज है आपको दिखाने वालों में जैसे मैंने टाइटल थंबनेल में डाला होगा। तो चलो कोई नहीं, आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पे। तो आप लोग बताओ भाई अभी भी आप लोगों को शो हो रही है कि नहीं विलेज क्यारा पुल के इस तरह के। तो कहाँ कहाँ पे कभी कभी तो प्रोफाइल भी दिखती नहीं है गाइस, क्या बोला आप लोगों को, कभी प्रोफाइल नहीं दिखती है, कभी जो पक है वो भी दिखती नहीं, अपने पूरे ब्लैक स्क्रीन हो जाती है गेम में। वैसे 2 बार हो चुका है मेरे साथ, तो मैं कल एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, इसी तरह का ग्लिच है, मतलब उसमें कॉइंस ही नहीं दिख रहे थे गाइस, क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे देखो मैं बड़ा शॉट मार रहा हूँ, यहाँ पे मिस कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, ट्राई किया था मैंने, बोला यहाँ पे निकल जाएगी अपनी जो कॉइंस हंसी हुई थी वो निकल जाएंगे। मेन मुद्दा था भाई जो अपनी ये ग्लिच है वो भाई गंदा तरीके से शो हो रहा है अपने गेम में। तो देखते हैं अभी आगे चल के क्या होता है, मेरे लिए अपडेट लेके आएगा तो चला जाएगा। और बहुत से लोग सोच रहे थे, बोल रहे थे भाई मुझे जो गोल्डन नेम है वो किस तरह से आते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है गाइस, कैरम पास जिसके पास है तो उसका नाम नहीं गोल्डन में दिखाएगा। तो ये तो पुराना वीडियो है मेरा कसम, 4-5 दिन पहले, तो अभी तो मुझे मिल चुका है भाई गोल्डन नेम। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सभी को मिल रहा है कि भाई जो कैरम पास परचेस कर रहा है उसको मिल रहा है। तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो भाई आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। तो यार मैं थोड़ा सा इंडायरेक्ट खेल लेता हूँ, क्योंकि अपने जो ओपोनेंट भाई है वो अपने सब्सक्राइबर है शायद, क्योंकि वो गेम खेल रहे नहीं, मतलब स्टैगर मुझे बार बार वापस दे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तीनों कॉइन को इंडायरेक्ट खेलने की ट्राई करिए। और यहाँ पे देखो भी पॉकेट के पास जाके अपनी कॉइन अटक चुकी है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो गोल्डन नेम है जो हो रहा है अपना गोल्डन में, तो मेरे ख्याल से जो कैरम पास परचेस करते हैं उनको मिलने वाला है, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है भाई, आपको मिल रहा है कि नहीं मिला है। और यहाँ पे चलो मैं गेम प्ले को फिनिश करता हूँ, एक शॉट मार दो बहुत ही प्यारा सा टॉप फ्लिप में। तो ये शॉट आपको पसंद आएगा तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया हुआ तो अभी तक बने हुए तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ 1,500 सब्सक्राइबर अपने बाकी है भाई, जो अपने कितने 3 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए, तो आप लोगों ने कंप्लीट करवा देना भाई 3,000 सब्सक्राइबर। बस वीडियो यहाँ पे अपना खत्म होता है, तो कल एक और वीडियो के साथ आऊँगा आप लोगों के लिए, और बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है कल का गाइस, तो मिस मत करना आप लोगों ने। तो चलो कल मिलता है एक और वीडियो के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय गाइस।